गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न अबाउट द मैकेनिकल वेंटिलेशन. सो बिफोर स्टार्ट द मैकेनिकल वेंटिलेशन, फर्स्टली वी विल लर्न समथिंग अबाउट द ब्रीदिंग मूवमेंट्स. द इन दिस वी विल लर्न अबाउट द इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन, दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि नॉर्मल ब्रीदिंग क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या है, उसकी नीड क्यों पड़ती है. तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग से. द ब्रीदिंग द प्रोसेस वेयर बाई एयर और गैसेस मूव्स इन एंड आउट ऑफ द बॉडी. नॉर्मली ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होना. तो सबसे पहले हम इंस्पिरेशन देखेंगे. तो उसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज़ है जो एयर है, ये जो एयर है ये क्या होता है, इनहेल्ड हो रहा है, यानी कि पर्सन ने इसको इनहेल किया. इनहेल होने की वजह से क्या हो रहा है, रिब केस एक्सपेंड एज रिब मसल्स कॉन्स्ट्रैक्ट. जो रिब जो केस है, यानी कि ये जो थोरेसिक केस है, वो क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया. एक्सपेंड हो गया यानी कि डायलेट हो गया, फैल गया. जैसे ये हो रहा है, व्हेन प्रेशर इन लंग डिक्रीज एयर रश इन द लंग्स. अब क्या होता है, अंदर का जो एटमॉस्फियर है वो कम हो गया है और बाहर का जो एटमॉस्फियर है वो ज़्यादा हो गया है. तो बाहर का एटमॉस्फियर ज़्यादा है और अंदर का कम है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एयर ऑटोमेटिकली अंदर आने लगता है. एंड इन दिस टाइम ड्यूरिंग द इनहेलेशन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स और मूव डाउन. डायफ्राम क्या होता है, नीचे की तरफ चला जाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. तो ये नॉर्मल प्रोसेस है इनहेलेशन का. अब हम देखते हैं एक्सहेलेशन का. एक्सहेलेशन के टाइम क्या होता है, डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है. साथ ही साथ जो रिब केज रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्मॉल होने लगते हैं. और साथ ही साथ जो थोरेसिक केज है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगता है. कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होता है, लंग का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है और बाहर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर वो कम हो जाता है. कम होने की वजह से क्या होता है, लंग्स से वापस एयर जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है. तो ये नॉर्मल प्रोसेस है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का. अब यहाँ पे आप लोग अलग से स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं. सबसे पहले इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन में अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले इंटरकॉस्टल जो मसल्स हैं, यानी कि यहाँ पे जो आप रेस्पिरेटरी मसल्स देख रहे हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं. देन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे. रिब केज मूव्स अपवर्ड. रिब केज है वो ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ना ऊपर की तरफ मूव हो गया है. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैट. डायफ्राम यहाँ पे क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है. वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स कैविटी इंक्रीज, यानी कि जो ये थोरेसिक कैविटी है वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि लंग्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फैल जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे. एंड प्रेशर इन द एल्वियोलाई डिक्रीज. एल्वियोलाई में जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा और बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा. इस टाइम पे क्या होगा, बाहर से एयर अंदर की तरफ एंटर कर लेगा. नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन में क्या होता है, सबसे पहले इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स थे, यहाँ पे क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे. देन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स. जो बाहर के जो मसल हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल हैं, वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स. देन रिब केज मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड अंदर की तरफ. देन डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज. जो थोरेसिक कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है, स्पेस है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एल्वियोलाई के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा. सीधी सी बात है, अगर हम किसी भी जगह पे या किसी भी जैसे फुब्बारे में, बैलून में अगर एयर रखा हुआ है, अगर हम गुब्बारे में जब बहुत सारा एयर भर के अगर हम उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर प्रेशर और बढ़ जाएगा. तो अब जैसे ही हम गुब्बारे को छोड़ेंगे, बहुत तेज़ी के साथ जो हवा है वो बाहर निकल जाएगी. तो यहाँ पर वही हो रहा है, लंग का लंग के अंदर जो वॉल्यूम है लंग का, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि जो थोरेसिक कैविटी है वो क्या हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है. तो जिसकी वजह से एल्वियोलाई के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा. प्रेशर बढ़ने की वजह से एयर मूव्स आउट, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ एयर एक्सहेल हो जाएगा. सो दिस इज़ द नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस, नॉर्मल इनहेलेशन एंड नॉर्मल एक्सहेलेशन. अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे
मैकेनिकल वेंटिलेशन के बारे में। सो ब्रीदिंग रिक्वायर्स दैट मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स एंड दिस इज नॉर्मली एकम्प्लिस्ड बाय द डायफ्राम एंड द चेस्ट। एकम्प्लिस्ड का मतलब होता है पूरा करना। जो नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस होता है वो डायफ्राम एंड चेस्ट मसल जो है वो क्या करते हैं, डायफ्राम और चेस्ट मसल उसको कंप्लीट करते हैं। अ वराइटी ऑफ मेडिकल कंडीशन कैन इम्पेयर द एबिलिटी ऑफ दीज मसल्स एंड ए कम्प्लीट दिस टास्क। बहुत सारे ऐसे मेडिकल कंडीशन, डिसीज कंडीशन होते हैं जो कि डायफ्राम और चेस्ट मसल को नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस ए कम्प्लीट यानी कि पूरा करने से रोकते हैं, उनकी एबिलिटी को रोकते हैं। इन दिस कंडीशन वी रिक्वायर मैकेनिकल वेंटिलेशन टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट बाय प्रोवाइडिंग द एक्सटर्नल ब्रीदिंग सपोर्ट। यानी कि ऐसे कंडीशन में जब पेशेंट खुद से ब्रीद कम्प्लीटली ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, तो हम उसको एक्सटर्नली ब्रीदिंग सपोर्ट देते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन इट इज़ अ मैथड टू मैकेनिकली असिस्ट और रिप्लेस स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, खुद से होने वाला। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या है, ये एक मेथड है जिसमें कि हम रिप्लेस कर देते हैं स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, यानी कि जो पेशेंट में खुद से जो ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा था उसको रिप्लेस करके हम मैकेनिकली असिस्ट यानी कि अलग से हम उस ब्रीदिंग प्रोसेस को पेशेंट की बॉडी में कंट्रोल करते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन कैन बी डिफाइंड एज द टेक्निक थ्रू विच गैसेस इज मूव टूवर्ड एंड फ्रॉम द लंग्स थ्रू एन एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड डायरेक्टली टू द पेशेंट। मैकेनिकल वेंटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस, एक टेक्निक है जिसमें कि हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं पेशेंट की बॉडी में थ्रू एन एक्सटर्नल डिवाइस। एक एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू हम पेशेंट के गैसेस एक्सचेंज को मेंटेन करते हैं जो कि डायरेक्टली पेशेंट से कनेक्ट होता है। दिस एक्सटर्नल डिवाइस इज कॉल्ड मैकेनिकल वेंटिलेटर। मैकेनिकल वेंटिलेटर इट इज़ एन आर्टिफिशियल एक्सटर्नल ऑर्गन दैट वॉज कंसीव्ड ओरिजिनली टू रिप्लेस एंड लेटर टू असिस्ट द रेस्पिरेटरी मसल। एंड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर इज टू प्रमोट द एल्वियोलर वेंटिलेशन टू मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन। तो मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या करता है, नॉर्मल जो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग है, जो हमारी बॉडी में नॉर्मली खुद से जो ब्रीदिंग होती है उसको रिप्लेस करके आर्टिफिशियली ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है, रिप्लेस करता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, सबसे पहले एल्वियोलर वेंटिलेशन को प्रमोट करना, यानी कि जो एल्वियोलाई हैं उनमें सफिशियंट ऑक्सीजन होना चाहिए। दूसरी चीज़ टू मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजनेशन होना चाहिए। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्राम। तो जो ये डायग्राम है ये है आपका मैकेनिकल वेंटिलेटर। इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके लेबल डायग्राम दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट वाला हम देख सकते हैं, दिस इज़ द सपोर्ट आर्म। सेकेंड वन इंस्पायरेटरी पोर्ट विथ फिल्टर। देन थर्ड, दिस इज़ द एक्टिव ह्यूमिडिफायर। देन दिस इज इंस्पायरेटरी लाइन विथ वाटर ट्रैप। देन फिफ्थ वन इज़ वाई पीस। देन सिक्स्थ वन इज एक्सपायरेटरी लाइन विथ वाटर ट्रैप। देन सेवेंथ वन इज एक्सपायरेटरी सपोर्ट, दिस इज द एक्सपायरेटरी सपोर्ट। एट्थ वन इज फ्लेक्सिबल कनेक्टर, दिस इज द फ्लेक्सिबल कनेक्टर। देन नाइन्थ वन प्रॉक्सिमल फ्लो प्रेशर सेंसर। एंड टेंथ वन इज नेबुलाइजर। नेबुलाइजर इसमें यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन आप दो चीज़ें देखेंगे, सबसे पहले क्या है, इंस्पायरेटरी लाइन। जो फोर्थ ये वाली जो लाइन है वो इंस्पायरेटरी लाइन है, और ये वाली जो है ये क्या है, एक्सपायरेटरी लाइन है। और ये जो लाइन है ये जो सेवन नंबर से जो स्टार्ट है, सेवन नंबर यानी कि जो एक्सपायरेटरी पोर्ट है ये, इससे गई हुई है सेवन नंबर वाले पोर्ट से गई हुई है एक्सपायरेटरी लाइन, और इससे सेकंड नंबर वाले से गई हुई है इंस्पायरेटरी लाइन। तो ये हो गया आपका मैकेनिकल वेंटिलेटर। नेक्स्ट देखते हैं पर्पस। सो फर्स्ट इज़ टू मेंटेन और इम्प्रूव सफिशिएंट वेंटिलेशन।
टू प्रोवाइड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है हमारी बॉडी में उसको मेंटेन करता है, प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, टू मेंटेन एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड टिश्यू ऑक्सीजनेशन, टू डिक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीदिंग एंड इम्प्रूव द पेशेंट कम्फर्ट। ऐसे पेशेंट जो कि अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं और उनको उसके लिए ज़्यादा इफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो ये डिक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग करने में जो इफर्ट करना पड़ रहा है पेशेंट को और उसको प्रॉब्लम हो रही है उसको ये क्या करता है, डिक्रीज करता है और पेशेंट के कम्फर्ट को इम्प्रूव करता है। सो ओवरऑल दिस इज़ द पर्पस ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। नेक्स्ट वन इज़ इंडिकेशन, किसको किसको हम मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखते हैं, किसको किसको हम मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ आफ्टर मेजर एब्डोमिनल और कार्डियक सर्जरी, पेशेंट को अगर एब्डोमिनल से, एब्डोमेन से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है, उस केस में हम पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड रेस्पिरेटरी फेलियर, थर्ड ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट सीवियर अस्थमा, निमोनिया, एस्पिरेशन, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, स्मोक इनहेलेशन, बर्न, सर्कुलेटरी फेलियर दैट इज़ द हार्ट फेलियर, लो कार्डियक आउटपुट, कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट ब्लॉक, हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, न्यूरोलॉजिकल डिसीज, कोमा, स्टेटस एपिलेप्टिकस, एपिलेप्सी, ड्रग ओवरडोज, ये सारे जो कंडीशन है इसमें हम पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ और भी इंडिकेशन है लाइक रेस्पिरेटरी मसल फेलियर लाइक गुलियन बारे सिंड्रोम, पोलियोमायलाइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, ये जो डिसीज़ है रेस्पिरेटरी मसल्स फेलियर, इसमें ये पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी डिसीज़ नहीं है, है ना। थर्ड ईयर को ये क्लियर है लेकिन सेकंड ईयर को ये तीनों, ये दोनों चीज़ें क्लियर नहीं है, गुलियन बारे सिंड्रोम और माइस्थेनिया ग्रेविस। इसमें क्या होते हैं, हमारे बॉडी में जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, वीक होने की वजह से क्या होता है वो मसल्स में रेस्पिरेटरी मसल्स भी आते हैं और वीकनिंग की वजह से वो प्रॉपर जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है उसको नहीं कर पाते हैं। हेड इंजुरी, बल्बल एबनॉर्मेलिटी लाइक विच कॉज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन लाइक सरिब्रो वस्कुलर एक्सीडेंट, CVA मैं सेकेंड ईयर को पढ़ा चुकी हूँ, थर्ड ईयर को भी पता है ना CVA क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस, एंड लास्ट वन इज मल्टीपल ट्रॉमा। सो दीज ऑल आर द इंडिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। नेक्स्ट कम टू द क्राइटेरिया फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ वेंटिलेटरी सपोर्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पेशेंट को वेंटिलेशन देना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे पैरामीटर्स, क्या क्या पैरामीटर्स हैं पेशेंट को वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए, कैसे डिसाइड करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स की पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है या नहीं है। तो फर्स्ट हम देखेंगे पल्मोनरी फंक्शन स्टडी। सो फर्स्ट वन इज़ रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट में क्या है, अगर पेशेंट नॉर्मल रेंज होता है 10 to 20, लेकिन पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट अगर 35 से ज़्यादा है, मतलब पेशेंट बहुत ही फास्ट ब्रीथ कर रहा है, तो ये पहला कंडीशन है कि पेशेंट को वेंटिलेशन पे रखना पड़ेगा। सेकंड है टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मली होता है 5 to 7 ml पर kg बॉडी वेट, लेकिन अगर ये 5 ml से ज़्यादा है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है अब ये देखेंगे। टाइडल वॉल्यूम इट रिप्रेजेंट द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बिटवीन नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन व्हेन एक्स्ट्रा इफर्ट इज़ नॉट अप्लाइड। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एक बार हमने इनहेल किया और एक्सहेल किया तो उसके बाद जितना भी हमारे बॉडी में जो वॉल्यूम बच जाता है ना, डिस्प्लेस हो जाता है, दैट इज़ द टाइडल वॉल्यूम। एंड इन हेल्दी यंग ह्यूमन एडल्ट टाइडल वॉल्यूम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 ml पर इंस्पिरेशन और 7 ml पर kg ऑफ बॉडी मास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 to 7 नॉर्मल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर पेशेंट की बॉडी में एक पर्टिकुलर ब्रीथ के बाद अगर 5 ml पर kg बॉडी वेट से ज़्यादा, यानी कि हम बोल सकते हैं 7 से ज़्यादा बढ़ जाता है, दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ वेंटिलेटरी सपोर्ट। थर्ड देखते हैं हम वाइटल कैपेसिटी, व्हाट इज़ द वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी दैट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी मूव्ड इनटू एंड आउट ऑफ द लंग। मैक्सिमम जो एयर का वो वॉल्यूम जो कि दैट कैन बी मूव्ड इनटू एंड आउट ऑफ द लंग, जो कि हमारे लंग से मूव्ड आउट होता है एंड मूव्ड इन होता है, यानी कि
एक बार में हमारा लंग्स इन्हेलेशन के टाइम पे और एक्सहेलेशन के टाइम में मिला के कितना एयर का वॉल्यूम मूव्ड इन यानी कि अंदर और बाहर कर रहा है ना, तो ये कहलाता है वाइटल कैपेसिटी। तो ये हम देखते हैं वाइटल कैपेसिटी के बारे में यहाँ पे क्या है। 65 to 75 नॉर्मल होता है, लेकिन अगर पेशेंट का ये 15 से भी कम है तो हमको क्या करना है, 15 से भी अभी अगर कम है तो पेशेंट को हम वेंटिलेटर पे रखेंगे। अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, टाइडल वॉल्यूम अगर पेशेंट का 5 ml/kg बॉडी वेट से कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमम इंस्पायरेटरी फोर्स। मैक्सिमम इंस्पायरेटरी फोर्स में क्या है, मैक्सिमम इंस्पायरेटरी फोर्स क्या होता है, तो पहले ये देखेंगे व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंस्पायरेटरी फोर्स। सो मैक्सिमम इंस्पायरेटरी फोर्स इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड विद मैक्सिमम इफर्ट, मतलब कि एक बार इन्हेलेशन में कोई भी पर्सन कितने अमाउंट एयर्स को क्या करता है, फोर्सफुली क्या कर सकता है, इंस्पायर यानी कि मूव्ड इन यानी अपनी बॉडी में उसको ले सकता है। तो यहाँ पे कितना है, 75 to 100 है ना, लेकिन ये कितना होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, उससे कम है। तो ये हो गया पल्मोनरी फंक्शन स्टडी। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टरियल ब्लड गैस एनालिसिस इसमें हम पीएच देखेंगे, ऑक्सीजन का सेचुरेशन देखेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का सेचुरेशन देखेंगे। तो नॉर्मल रेंज इसमें दिया हुआ है और एक दिया हुआ है नॉर्मल रेंज में वेरिएशन आने से हम देंगे। तो ये क्राइटेरिया है कि ये सारी चीज़ें पहले चेक की जाती है, उसके बाद देखा जाता है कि पेशेंट को, अगर पेशेंट वेंटिलेटर इंडिकेटेड वाले क्राइटेरिया में आ रहा है तब हम पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर पे रखते हैं। अच्छा दो चीज़ें और मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगी। फर्स्ट वन इज एयर वे रेजिस्टेंस। अभी कुछ स्लाइड्स में ये टर्म्स आएगा, एयर वे रेजिस्टेंस इसका मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी इफर्ट रिक्वायर्ड टू इन्फ्लेट द लंग। हमारी बॉडी रेस्पिरेशन के, हमारी जो बॉडी है वो कितना इफर्ट लगाती टू इन्फ्लेट द लंग यानी कि लंग को इन्फ्लेट करने के लिए रेस्पिरेटरी इफर्ट कितना लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द एयर वे रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस दैट इज़ द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ लंग, दैट इज़ द इफर्ट रिक्वायर टू इन्फ्लेट द एल्वियोलाई। यानी कि सबसे पहले हमने एयर वे रेजिस्टेंस देखा था, मतलब कि जैसे हम इन्हेलेशन कर रहे हैं तो इन्हेलेशन में क्या हो रहा है, हमारे लंग्स कितना इफर्ट लगा सकते हैं लंग को एक्सपेंड करने में, वैसे ही कॉम्प्लियंस का मतलब होता है एल्वियोलाई को एक्सपेंड करने में कितना इफर्ट हमारा लंग्स लगा सकता है। सो फर्स्ट वन इज एयर वे रेजिस्टेंस, रेस्पिरेटरी इफर्ट रिक्वायर्ड टू इन्फ्लेट द लंग, एंड द कॉम्प्लियंस इट इज़ द इफर्ट रिक्वायर्ड टू इन्फ्लेट द एल्वियोलाई। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड सेकेंड वन इज निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। दो मेन टाइप होते हैं वेंटिलेशन के, पॉजिटिव प्रेशर और निगेटिव प्रेशर। अच्छा ये प्रेशर यहाँ पे क्यों बोला गया है, तो दो चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहूँगी। जब हम लोग इन्हेलेशन करते हैं यानी कि गैसेस मूव इन कर रहे हैं यानी कि हमारी बॉडी में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस समय क्यों हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैसे आता है, उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे जो लंग्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे लंग्स के अंदर निगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाता है और लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इस सेम टाइम पे जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर यानी कि उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो बाहर से जो गैसेस है वो हमारे लंग्स के अंदर आ जाते हैं। सेम टाइम अगर हम दूसरा कंडीशन देखें, सॉरी फर्स्ट वाला जो था वो एक्सहेलेशन का था, सेकेंड अगर हम देखते हैं निगेटिव प्रेशर, जैसे फर्स्ट वाला जो मैंने बताया निगेटिव प्रेशर, उसमें क्या करते हैं हम, इन्हेलेशन होता है, एक्सहेलेशन में क्या होता है हमारे बॉडी में पॉजिटिव प्रेशर यानी कि एक्सहेल करने के टाइम हमारे बॉडी के अंदर जो लंग्स के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर का जो प्रेशर है वो कम है, तो क्या होगा, लंग्स के अंदर से जो गैसेस है वो बाहर की तरफ निकलेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे थिंग है, क्या है, जो भी हाई प्रेशर से कोई भी चीज़ लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो जब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा तो बाहर से एयर जो है वो हमारे लंग्स के अंदर आएगी
और जब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा और बाहर का प्रेशर कम होगा तो जो एयर है वो हमारे लंग्स से बाहर यानी कि एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो ये नॉर्मल होता है प्रेशर का, ये जो यहाँ पे हम लोग प्रेशर पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग यहाँ पे यही है। तो पहला है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, इट पुशेस द एयर इनटू द लंग्स। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो होते हैं मतलब इस टाइप के जो वेंटिलेशन होते हैं वो क्या करते हैं, इस कंडीशन में जो हमारा लंग्स है वो एयर को बाहर पुश नहीं कर पा रहा है तो ये क्या करते हैं, पुश करने में हेल्प करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमारे अगर लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, एयर अपने आप बाहर होना चाहिए, लेकिन हम उस एयर को बाहर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे जो वेंटिलेटर है वो क्या करेगा, हमारे जो लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा होने के बावजूद भी जो एयर बाहर नहीं जा पा रहा है उस एयर को ये बाहर की तरफ पुश करते हैं यानी कि एक्सहेलेशन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन दैट सक्स द एयर इनटू द लंग्स बाय मेकिंग द चेस्ट एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या करते हैं, इस टाइम पे पेशेंट को इनहेलेशन में प्रॉब्लम हो रही है यानी कि वो प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं कर पा रहा है, गैसेस मूव्स इन यानी कि गैसेस जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पा रहा है तो ये क्या वेंटिलेशन, ये क्या करते हैं, इनहेलेशन करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ये दो टाइप के वेंटिलेशन हम यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट हम देखेंगे निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन इट इज़ अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन दैट स्टिमुलेट द इल पर्सन ब्रीदिंग्स बाई पीरियोडिकली अप्लाइंग निगेटिव प्रेशर टू द बॉडी टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट द चेस्ट कैविटी। इट असिस्ट ब्रीदिंग वैन मसल कंट्रोल इज लॉस्ट और द वर्क ऑफ ब्रीदिंग एक्सीड द पर्सन एबिलिटी। तो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या करते हैं, ये पर्सन की जो ब्रीदिंग एबिलिटी है उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं मसल्स को, कब, जब पेशेंट जो है वो प्रॉपर ब्रीदिंग इफर्ट नहीं लगा पा रहा है, अच्छे से ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन, फर्स्ट वन इज आयरन लंग एंड सेकेंड वन इज बाईफेजिक वेंटिलेशन, दैट इज बाईफेजिक क्यूरेस वेंटिलेशन। तो पहला हम देखेंगे आयरन लंग। आयरन लंग क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ टैंक वेंटिलेटर। इसके दो नाम हैं, टैंक वेंटिलेटर और ड्रिंकर टैंक। इट इज़ ए टाइप ऑफ निगेटिव वेंटिलेटर, अ मैकेनिकल रेस्पिरेटर विच इंक्लोज मोस्ट ऑफ अ पर्सन बॉडी। ये जो वेंटिलेटर होता है ये जो पेशेंट की बॉडी का मैक्सिमम जो पार्ट है उसको इंक्लोज यानी कि कवर कर लेता है एंड वरीज द एयर प्रेशर इन द इनक्लोज स्पेसिस टू स्टिमुलेट द ब्रीदिंग। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये पूरा एक टैंक है ना, इसके अंदर पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ है तो ये इसने क्या किया है, पेशेंट की ऑलमोस्ट जितने भी बॉडी है उसको इनक्लोज यानी कि कवर किया हुआ है। और ये जो विंडो, ये जो चैम्बर है दैट इज़ द आयरन लंग और टैंकर, ये क्या करता है, पेशेंट के बॉडी पे निगेटिव प्रेशर अप्लाई करता है। निगेटिव प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, जो एयर है वो ईजिली क्या होंगे, निगेटिव प्रेशर अप्लाई करने की वजह से मूव्ड इन और मूव्ड आउट होंगे। अब ये कैसे वर्क करता है, टू कॉज द पेशेंट टू इनहेल एयर इज पम्प्ड आउट द सिलेंडर कॉजिंग अ स्लाइट वैक्यूम विच कॉज द पेशेंट चेस्ट एंड एब्डोमेन टू एक्सपेंड एंड ड्रॉ द एयर फ्रॉम आउटसाइड इनटू द सिलेंडर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले पेशेंट को इनहेलेशन में कैसे हेल्प करता है, सबसे पहले क्या होता है एयर जो है वो उस जो सिलेंडर है यानी कि जिसके अंदर पेशेंट है वहाँ पर क्या किया जाता है, पम्प्ड आउट, पहले भरा जाता है, देन इच विच कॉज अ वैक्यूम एंड विच कॉज पेशेंट चेस्ट एंड एब्डोमेन टू एक्सपेंड। जिसकी वजह से क्या है, बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा है तो जो बाहर का जो जिसमें सिलेंडर में जो प्रेशर डाला गया है यानी कि इसमें जो प्रेशर डाला हुआ है ये तो पेशेंट की बॉडी है, बाकी जो अंदर में बाकी जो जगह है वहाँ पे क्या है, हम प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा और पेशेंट के लंग का अंदर का प्रेशर कम होगा तो गैसेस क्या होंगी, इनहेल होंगी। जब बाहर का प्रेशर कम और अंदर का ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पेशेंट एक्सहेल करेगा। तो इस तरीके से ये जो चैम्बर है वो क्या करता है,
पेशेंट की बॉडी पे एक तरह का प्रेशर अप्लाई करता है और उस प्रेशर की वजह से पेशेंट की ब्रीदिंग को ये कंट्रोल कर पाता है। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं आयरन लंग सिलेंडर, तो ये जो ब्लैक वाला जो पार्ट है ना, तो ये आप समझ सकते हैं ये टैंकर है या सिलेंडर है, दैट इज़ द आयरन लंग सिलेंडर। नेक्स्ट जो येलो कलर का जो ये है, ये आप समझ सकते हैं कि ये डायफ्राम है, ठीक है। ये लंग्स एक्चुअली में यहाँ है पेशेंट का, लेकिन मान लीजिए ये डायफ्राम है। देन पेशेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे इनहेल और एक्सहेल कर रहा है। जो फर्स्ट वाला प्रोसेस देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, डायफ्राम यहाँ पे जैसे आप फर्स्ट वाले में देख सकते हैं गैसेस इनहेल हो रही है, यानी कि लंग यहाँ पे एक्सपेंड हो गया है। सेकंड में देखेंगे आप यहाँ पे जो लंग्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है और एयर्स बाहर एक्सहेल हो रही है ना। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ आयरन लंग वेंटिलेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्यूरेस वेंटिलेशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाईफेजिक क्यूरेस वेंटिलेशन। इट इज़ ए टाइप ऑफ वेंटिलेशन विच वर्क्स यूजिंग अ नॉन इन्वेसिव क्यूरेसेस और अ सेल विच इज़ अटैच्ड टू अ पावर यूनिट विच एक्टिवली कंट्रोल बोथ फेज ऑफ द रेस्पिरेटरी साइकिल। ये क्या करता है, ये जो निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन है ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल करता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, यानी कि इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, दोनों ये जो फेज होते हैं रेस्पिरेशन के दोनों को ये कंट्रोल करता है। एंड इट रिक्वायर द पेशेंट टू वियर एन अपर बॉडी सेल और क्यूरेसेस। यहाँ पे मैं आपको पहले दिखाऊंगी कि किस तरीके का होता है ना। तो ये होता है नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन में बाईफेजिक क्यूरेस वेंटिलेशन। इट इज़ अ मेथड ऑफ वेंटिलेशन विच वर्क्स यूजिंग अ नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोसीजर जिसके सामने अगर लिखा हुआ इट इज़ ए इन्वेसिव, इन्वेसिव का मतलब होता है कि उसके लिए कोई ट्रेंड पर्सन चाहिए और उसमें हम क्या करते हैं, उस प्रोसीजर को परफॉर्म करते समय हम पेशेंट की बॉडी कैविटी स्किन को कट करते हैं और उसमें किसी भी चीज़ को हम इंसर्ट करते हैं। तो ये क्या है, हमने इसमें बॉडी में कोई पार्ट कट नहीं किया है, ये हम बाहर से एक्सटर्नली यूज़ कर रहे हैं। सो इट इज़ अ नॉन इन्वेसिव मैथड। एंड यहाँ पे जो क्यूरेसिस एंड सेल, ये क्यों नाम पड़ा है इसका क्यूरेसिस, ये जो है एक सेल, मतलब ये बाहर से शील्ड की तरह है, जैसे कि वॉर के टाइम पे जो जो आर्मीज होती है वो शील्ड वगैरह कुछ सामने से ऐसे कवर करने के लिए, अपने चेस्ट को कवर करने के लिए शील्ड प्रोटेक्शन के लिए पहनती है, तो वैसे ये शील्ड है, उसी शील्ड की वजह से इसका नाम है क्यूरेसिस वेंटिलेशन। क्यूरेस वेंटिलेशन का मतलब क्या है, क्यूरेस मतलब यही है, ये शील्ड है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पेशेंट का, जैसे कि इसने ये क्या किया हुआ है, ये पहना हुआ है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये मैकेनिकल वेंटिलेशन है जो कि इससे कनेक्टेड है मॉनिटर, है ना। सो दिस इज़ अ निगेटिव टाइप ऑफ निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड इट हेल्प्स इन बोथ फेजेस ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज़ द इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये पेशेंट को इन्हेलेशन में भी हेल्प करता है और एक्सहेलेशन में भी हेल्प करता है। दिस मेथड हैज़ इन द पास्ट ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एंड लेबल्ड एज निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। तो ये दो टाइप्स थे इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। नेगेटिव हमने देख लिया, आप देखेंगे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। दीज वेंटिलेटर्स ब्लो द एयर इनटू द पेशेंट लंग्स थ्रू अ ट्यूब। इसमें हम क्या करते हैं, वेंटिलेटर्स के थ्रू पेशेंट के लंग्स में एयर को ब्लो करते हैं। एंड दीज में बी इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। अभी मैंने बताया इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव में क्या डिफरेंस है, तो जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है उसमें इन्वेसिव मेथड भी है और नॉन इन्वेसिव मेथड भी है। नॉन इन्वेसिव मेथड में क्या है, हम किसी भी तरह का बॉडी में किसी भी तरह का कोई ओपनिंग या कट कुछ भी नहीं करते हैं। इन्वेसिव में क्या करते हैं, हम एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं। पहले पेशेंट के माउथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पेशेंट को ईटी ट्यूब लगा हुआ है ना, ये दिस इज़ द ईटी ट्यूब। तो पेशेंट को यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवेसिव भी टाइप का हो सकता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन या नॉन इन्वेसिव भी हो सकता है। एंड विच फोर्स द एल्वियोलाई टू एक्सपेंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन अकर्स पेसिवली। इसमें क्या होता है, मेनली जो इन्हेलेशन का प्रोसेस है उसके लिए ये लंग को एक्सपेंड करते हैं, लेकिन जो एक्सहेलेशन का प्रोसेस है वहाँ उसमें क्या होता है, वो पैसिवली, यानी कि ये वेंटिलेटर है वो कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप देख सकते हैं दैट फोर्स द एल्वियोलाई टू एक्सपेंड ड्यूरिंग
इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन दैट इज द एक्सहेलेशन अकर्स पैसिवली. पैसिवली का मतलब क्या है, यहाँ पे पेशेंट है वो एक्सहेलेशन नहीं कर रहा है. एक्सहेलेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर. एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन और ट्रैकियोस्टॉमी इज यूजुअली नेसेसरी. ये जो इसमें जो इन्वेसिव टाइप का है उसमें तो हमको एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन या ट्रैकियोस्टॉमी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इन्वेसिव टाइप का पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है उसमें हमको पेशेंट में एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन या ट्रैकियोस्टॉमी करना पड़ता है. तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे. दिस इज़ द एंडोट्रैकियल ट्यूब. ये इसके सारे जो पार्ट्स हैं सबका नाम है. तो दिस इज़ द बेवेल कफ मर्फियाई. दिस इज़ वन वे वॉल, पायलट बैलून, पायलट लाइन. दिस इज़ द कनेक्टर, लेंथ मार्किंग, रेडियो ओपेक लाइन, है ना. तो ये ईटी ट्यूब है और इसको हम पेशेंट में इंसर्ट करते हैं. डायग्राम ऑफ ए इंसर्टेड एंडोट्रैकियल ट्यूब. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कहाँ पे गया हुआ है ना. सो दिस इज़ द इंसर्शन ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब. टाइप ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विच आर क्लासिफाइड बाय द मेथड ऑफ एंडिंग द इंस्पिरेटरी फेज ऑफ रेस्पिरेशन. फर्स्ट वन इज़ प्रेशर साइकल्ड, सेकेंड वन इज़ टाइम साइकल्ड एंड थर्ड वन इज़ वॉल्यूम साइकल्ड. अब ये जो तीन टाइप्स हैं, यहाँ पे थ्री टाइप्स हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के, ये तीनों टाइप्स इनवेसिव है. इनवेसिव का मतलब ये तीनों टाइप के वेंटिलेशन में हम पेशेंट में पहले एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं या फिर हम ट्रैकियोस्टॉमी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ही हम ये इस थ्री टाइप्स का वेंटिलेशन हम देते हैं. पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में जो फोर्थ टाइप होता है वो नॉन इन्वेसिव होता है, यानी कि हम इसमें एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन नहीं करते हैं, ना ही पेशेंट को हम ट्रैकियोस्टॉमी प्रोसीजर उसमें परफॉर्म करते हैं. तो सबसे पहले हमको ये तीन पढ़ना है, प्रेशर साइकल्ड, टाइम साइकल्ड एंड वॉल्यूम साइकल्ड. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेशर साइकल वेंटिलेटर. When the pressure cycled ventilator cycle on, it delivers a flow of air until it reaches a preset pressure. प्रेशर साइकल्ड वेंटिलेटर में क्या होता है, इसमें हम एक फ्लो रेट यानी कि इस रेट में जो एयर है वो पेशेंट के लंग में फ्लो होगी यानी कि जाएगी, वो हम फिक्स कर देते हैं. नॉर्मली क्या होता है, हमारे लंग्स की जो एयर वे रेजिस्टेंस यानी हमारे लंग्स की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लंग्स एक्सपेंड होते हैं और वो जितना अमाउंट लंग एयर का अपने अंदर रिसीव कर सकते हैं, मूव्ड इन कर सकते हैं, वो कर लेते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, पेशेंट इन्हेलेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हम यहाँ पे एक रेट सेट कर लेते हैं. इस फ्लो रेट से पेशेंट के बॉडी में यानी कि लंग्स में एयर इतने अमाउंट में लंग्स में जाएगा. तो यहाँ पे अनटिल इट रीच अ प्रीसेट प्रेशर, जिस प्रेशर में जितना हमने सोचा है कि इतना एयर जो है लंग में पेशेंट के इन्हेलेशन मतलब पेशेंट की बॉडी में लंग्स में हमको मूव करना है, उतना हमने प्रीसेट प्रेशर के अकॉर्डिंग मूव कर दिया. देन साइकिल ऑफ एंड एक्सपिरेशन अकर्स पेसिवली. इट इज़ अ मेजर लिमिटेशन इज दैट द वॉल्यूम ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन कैन वरी एज द पेशेंट एयर वे रेजिस्टेंस एंड कॉम्प्लियंस चेंजेस. नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कि हम नॉर्मल अभी कुछ भी वर्क नहीं कर रहे हैं सिटिंग पोजिशन में, ठीक है, अभी हम नॉर्मली भी ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन अचानक से अगर हम रनिंग करने लगते हैं तो हमको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उस समय हमारा लंग क्या करता है, ज़्यादा इफर्ट लगाता है ज़्यादा से ज़्यादा एयर को मूव्ड इन करने के लिए. उस समय हमारे लंग्स में कोई प्रेशर सेट नहीं होता है कि हमको इतने ही एयर को अपने लंग्स के अंदर लेना है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर साइकल्ड वेंटिलेशन में इसमें हम फिक्स कर देते हैं कि इतने अमाउंट में ही एयर जो है, इतने प्रेशर में ही, इतना जो एयर का प्रेशर इतना ही होना चाहिए लंग में. इसकी वजह से क्या होता है, हमारे लंग की कैपेसिटी लिमिटेड हो जाती है. उसके बाद भी अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसकी जो लंग की कैपेसिटी है बिल्कुल वैसे ही रह जाती है, बहुत टाइम लगता है उसको रिकवर होने में. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एक फिक्स्ड हमने कर दिया है कि इतना ही एयर लंग्स के अंदर इंस्पिरेशन के टाइम जाना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है ना, जो इंस्पिरेटरी इफर्ट है कि कितना मैक्सिमम लगा सकता है, वो क्या हो जाता है, एक लिमिटेड हो जाता है. एज अ रिजल्ट द टाइडल वॉल्यूम डिलीवर्ड मे बी इनकंसिस्ट, जिसकी वजह से जब हम एक्सहेल करते हैं तो हो सकता है कि जो टाइडल वॉल्यूम है वो कभी कम भी हो सकता है ना,
इस क्यों? क्योंकि हमने एक सेट कर दिया है कि हमारे लंग्स में एयर इतने ही अमाउंट में जाएगा. सो दिस इज़ द प्रेशर साइकल्ड वेंटिलेटर. प्रेशर साइकल्ड वेंटिलेटर को आप लोग कैसे याद रखेंगे? प्रेशर साइकल्ड वेंटिलेटर में हमारे लंग्स के अंदर इन्हेलेशन के लिए कितना एयर जाएगा, इसके लिए हम एक प्रेशर है वो पहले से सेट कर देते हैं. नेक्स्ट है टाइम साइकल्ड वेंटिलेटर. टाइम साइकिल वेंटिलेटर टर्मिनेट और कंट्रोल द इंस्पायरेशन आफ्टर अ प्री सेट टाइम. द वॉल्यूम ऑफ द एयर पेशेंट रिसीव्ड इज रेगुलेटेड बाय द लेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड द फ्लो रेट ऑफ एयर. मोस्ट वेंटिलेटर कंट्रोल द दैट डिटरमाइंस द रेस्पिरेटरी रेट दैट बट प्योर टाइम साइकिलिंग इज रेयरली यूज्ड फॉर एडल्ट. इसमें क्या है? टाइम साइकल्ड मतलब एक इसमें हमने टाइम फिक्स कर दिया है पेशेंट के इंस्पायरेशन को कंट्रोल करने के लिए. उससे क्या होगा, जो वॉल्यूम जो एयर का है जिसको पेशेंट की रिसीव कर रहा है दैट इज़ रेगुलेटेड बाय द लेंथ ऑफ इन्हेलेशन. मतलब जो इन्हेलेशन का प्रोसेस था वो कितना लेंदी था. नॉर्मली क्या है, इन्हेलेशन का प्रोसेस कितना लेंदी होगा इसको हम डिसाइड करते हैं. जैसे कि सपोज़ आप लोग योगा या एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमको बोला जाता है कि डीप ब्रीथ लीजिए, तो उस समय इन्हेलेशन हम लोग बहुत ही स्लोली करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे जो इन्हेलेशन की जो लेंथ है मतलब कितना टाइम हम एयर को मूव्ड इन यानी कि अपने लंग्स में एयर को अंदर करने के लिए मूव्ड इन करने के लिए कितना देर लगा रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं हम एक इन्हेलेशन करने के लिए, तो ये हम अपने हिसाब से कभी भी चेंज कर सकते हैं, है ना. जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो इन्हेलेशन क्या होता है, इन्हेलेशन का जो टाइम होता है बहुत फास्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, हमको क्योंकि बहुत ऑक्सीजन की नीड होती है. जब हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत ही धीरे धीरे स्लोली हम क्या करते हैं, गैसेस मूव इन करते हैं, यानी कि इंस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, इन्हेलेशन का प्रोसेस उसको बहुत धीरे करते हैं, तो यानी कि उसकी लेंथ हमारे नीड के हिसाब से, हमारे बॉडी के कंडीशन के हिसाब से चेंज होती है. लेकिन ये जो वेंटिलेटर है क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर देता है कि इतने ही टाइम में पेशेंट इन्हेल, पेशेंट के बॉडी में जो इन्हेलेशन का प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाना चाहिए. थर्ड है वॉल्यूम साइकल्ड वेंटिलेटर. वॉल्यूम साइकल्ड वेंटिलेटर्स द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड विथ ईच इन्हेलेशन इज प्रीसेट. वंस द प्रीसेट वॉल्यूम इज डिलीवर्ड टू द पेशेंट द वेंटिलेटर साइकिल इज ऑफ एंड द एक्सहेलेशन अकर्स पैसिवली. तो तीनों जो आपने पढ़ा, सबसे पहले हमने प्रेशर साइकल्ड पढ़ा, सेकेंड हमने टाइम साइकल्ड पढ़ा और थर्ड पढ़ा हमने वॉल्यूम साइकल्ड. अब तीनों को मैं आपको पहले बता रही हूँ. प्रेशर साइकल्ड में क्या हुआ था, वेंटिलेटर ये डिसाइड करता है कि हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कितना होगा. जितना उसमें डिसाइड कर दिया गया है, मॉनिटर में सेट कर दिया गया है, प्रेशर उतना ही रहेगा. सेकेंड हमने देखा टाइम साइकल्ड. टाइम साइकल्ड में क्या होता है कि पहले से मॉनिटर में सेट कर दिया गया है कि एक इन्हेलेशन में हमारा जो लंग्स है उसमें एक इन्हेलेशन उसमें होने में कितना टाइम लगेगा. वॉल्यूम साइकिल में क्या होता है, कितने अमाउंट में एयर हमारे लंग्स के अंदर इन्हेलेशन के टाइम में जाना चाहिए. तो वॉल्यूम जब हम सेट कर देते हैं एक फिक्स वॉल्यूम, दैट इज़ वॉल्यूम साइकिल. जब हम टाइम सेट कर देते हैं इन्हेलेशन के लिए, दैट इज़ टाइम साइकिल. और जब हम प्रेशर सेट कर देते हैं, दैट इज़ प्रेशर साइकल्ड वेंटिलेशन. तो ये थ्री टाइप के जो वेंटिलेशन होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, और ये तीनों ही इन्वेसिव हैं, यानी कि तीनों में एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन या फिर हम ट्रैकियोस्टॉमी पहले करते हैं पेशेंट का, उसके बाद हम पेशेंट को वेंटिलेशन देते हैं. नेक्स्ट जो टाइप है इसमें नॉन वेंटिलेशन, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन. नॉन इन्वेसिव में आप लोग जैसे देखेंगे पेशेंट को ना ही हमने कोई ईटी ट्यूब यानी कि ना ही कोई एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन लगाया है, ना ही हमने पेशेंट को ट्रैकियोस्टॉमी दिया है, है ना. दिस इज डिलीवर्ड बाई अ ओरोनेजल मास्क. इसमें हम मास्क के थ्रू क्या करते हैं, पेशेंट को हम मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं. नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ये हम लोग कल पढ़ेंगे. आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मैकेनिकल वेंटिलेशन के बारे में पढ़ा. दिस इज़ एन आर्टिफिशियल एक्सटर्नल ऑर्गन दैट रिप्लेस द
नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग को ये क्या करता है, रिप्लेस करता है। नेक्स्ट हमने इसमें देखा था इंडिकेशन, नेक्स्ट हमने क्राइटेरिया देखा कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिसके लिए हम, जिसको चेक करने के बाद हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखना है। नेक्स्ट हमने देखा टाइप्स, दो टाइप के वेंटिलेशन होते हैं, पॉजिटिव प्रेशर एंड निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। प्रेशर का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, इन्हेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं, तो क्या होता है हमारे लंग्स के अंदर अगर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर कम है तो एयर क्या होगा, मूव्ड आउट होगा। जब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर कम है तो लंग्स से जो एयर है वो बाहर की तरफ जाएगी, और जब हमारे लंग्स के अंदर एयर कम है और बाहर ज़्यादा है तो बाहर से एयर हमारे लंग्स के अंदर आएगी। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को इन्हेलेशन में प्रॉब्लम आ रही है या एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव प्रेशर हम यूज़ करते हैं। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में सबसे पहले, सॉरी, हमने निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन देखा, इसमें दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है आयरन लंग वेंटिलेटर, जिसमें कि हम पेशेंट को एक चैम्बर के ऊपर हम डाल देते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं पेशेंट को एक चैम्बर के अंदर डाल देते हैं, और वो चैम्बर क्या करता है, निगेटिव प्रेशर जो है वो क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो ब्रीदिंग है वो कंट्रोल होता है। और नेक्स्ट जो हमने देखा था क्यूरेस वेंटिलेटर, इसमें क्या होता है पेशेंट को हम एक सील्ड जैसा, एक शेल की जैसे एक ये मशीन होती है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सील्ड, इसको हम पेशेंट को वियर करने को बोलते हैं, उसको उसके सामने चेस्ट पे प्लेस करते हैं, और ये जो आप मॉनिटर देख रहे हैं ये क्या करता है, मॉनिटर करता है। ये जो है क्यूरेस वेंटिलेटर, ये दोनों चीज़ों में हेल्प करता है, इन्हेलेशन में भी और एक्सहेलेशन में भी, इसलिए हम इसको बाईफेजिक क्यूरेस वेंटिलेटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है इन्वेसिव और दूसरा होता है नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव जो होता है उसमें हम एंडोट्रैकियल इंटूबेशन या ट्रैकियोस्टॉमी परफॉर्म करते हैं पहले, उसके बाद हम पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं। इसके बाद हमने देखा था डायग्राम, देखा था ये ईटी ट्यूब का। नेक्स्ट हमने देखा था थ्री टाइप्स के इन्वेसिव वेंटिलेटर्स होते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। फर्स्ट होता है प्रेशर, दूसरा होता है टाइम साइकिल, थर्ड होता है वॉल्यूम साइकिल। जो प्रेशर साइकिल होता है उसमें हम प्रेशर को सेट करते हैं, प्रेशर हम लोग पहले से सेट कर देते हैं कि लंग में कितना प्रेशर जाएगा, इन्हेलेशन के टाइम पे एयर का प्रेशर कितना होगा। टाइम साइकिल में हम इन्हेलेशन का जो टाइम कितना, एक इन्हेलेशन में कितना टाइम लगेगा ये सेट करते हैं। और जो थर्ड जो वॉल्यूम साइकिल है उसमें हम एक इन्हेलेशन में पेशेंट के लंग में कितना एयर का वॉल्यूम, यानी कि कितना एयर जाना चाहिए, हम ये सेट करते हैं। तो ये तीनों टाइप्स हैं इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। जो फोर्थ टाइप है वो हम लोग कल देखेंगे, दैट इज़ द नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, जिसमें कि किसी भी तरह का हमको एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन या ट्रैकियोस्टॉमी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम पेशेंट को विदाउट ट्रैकियोस्टॉमी, विदाउट एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, हम मास्क के थ्रू पेशेंट को क्या करते हैं, ब्रीदिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।